प्राइवेट लेबल ब्रांड्स और ओन ब्रांड्स इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस रिटेलर का वो ब्रांड जो कि वो अपने नाम से या किसी अपने आइडेंटिटी के नाम से वो चलाता है ऑपरेट करता है और प्रोडक्ट्स को सम्बरेला के अंदर ऑपरेट करता है यू विल फाइंड लॉट ऑफ रिटेलर्स वर्किंग ऑन दीस काइंड ऑफ ब्रांड्स जिनको प्राइवेट लेबल ब्रांड्स कहा जाता है दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्राइवेट लेबल ब्रांड्स इज टू मेक कंट्रोल ऑफ The complete supply chain because these products will be only available at these particular retail stores. So customers confidence then that the quality level is the quality level as per the retailer's image. The price level is of course normally considered to be the lowest pricing. Uh, it is not the premium brand pricing. So the, the customer will get premium product on a very competitive pricing. That is actually the key attribute. Of a private label brand, and ultimately the whole supply chain is in control of the retailer. Normally, the retailer is not involved in the manufacturing of such goods, normally, they do it outsourcing, but the whole private label brand management is actually uh, done and controlled by them. Or it has been observed internationally that the target of a retailer is to increase.

यूनिलेवर, नेस्ले एंग्रो ये तमाम मनुफैक्चरर्स हैं जो के एक्चुअली अपना ब्रांड बना रहे हैं दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स आर नॉर्मली कंसिडर टू बी नेशनल लेवल ब्रांड देर आर ब्रांड्स विच आर रीजनल लेवल ब्रांड्स ऑल्सो दे आर मैनुफैक्चर एंड रीजनल लेवल सो मैनुफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर देर विल बी इंटरनेशनल ब्रांड्स मैनुफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर देर विल भी नैशनल ब्रांड्स मैनुफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर देर विल बी ब्रांड्स विच आर मैनुफैक्चर एंड दे आर द रीजनल लेवल ब्रांड्स देन सेकेंड पार्ट सेकेंड ब्रांड्स फॉर अ प्राइवेट प्राइवेट स्टोर ब्रांड और प्राइवेट लेवल ब्रांड्स दे आर एक्चुअली द ब्रांड्स जो के की सेलिंग आर्टिकल्स हैं रिटेलर उन आर्टिकल्स को टारगेट करता है अपने ब्रांड के परस्पेक्टिव में कि मेरा कौन सा ब्रांड ऐसा है मेरी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर आई कैन मेक द स्पेस तो नॉर्मली स्पेशली फ्रेश प्रोडक्ट्स के अंदर नॉर्मली बेकरी के अंदर नॉर्मली डेयरी के अंदर दीज आर द इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स विच आर रिटेलर टारगेट्स फॉर इस प्राइवेट लेवल ब्रांड एंड देन थर्ड आर द ब्रांड्स विच आर द जेनेरिक ब्रांड्स सो दीज आर द ब्रांड्स विच आर जेनेरिकली अवेलेबल विच आर एक्चुअली वेरी लो लेवल ब्रांड्स and they have less identity in terms of separately store brand stores for example there are generic products which are non-branded if, if we talk about fruits and vegetables so they have been considered as generic products however what retailers are doing now they are properly packing these kind of generic products and they are shifting it into the private label brands let me discuss with you a good Berman evans private label brand test नॉर्मली आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसी कौन सा रिटेलर ऐसा है जिसका एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसका ओन ब्रांड एज ऐसे प्राइवेट लेबल ब्रांड मौजूद है सो so, हमारे पास दे आर लॉट ऑफ लीड रिटेलर जिसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं एंड दे आर लॉड ऑफ ब्रांड जो के मैंशन हैं सो आई विल पिक टू ऑफ देम ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया दूँ समझने के लिए कि कैसे एक रिटेलर अपना एक जनरल प्राइवेट लेबल ब्रांड को लेकर चलता है सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मेट्रो एज ए रिटेलर सो मेट्रो का कौन सा प्राइवेट लेबल ब्रांड है सो इफ आई विल सी इट इज फाइन फूड सो मेट्रो ओन ब्रांड इज फाइन फूड देर आर अदर अम्ब्रेला ब्रांड्स ऑल्सो बट इन द लिस्ट आई आई हैव फाउंड फाइन फूड विच इज एन ओन ब्रांड विच इज अ प्राइवेट लेबल ब्रांड फॉर मेट्रो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉस्को की तो वट इज द प्राइवेट लेबल ब्रांड फॉर कॉस्को सो प्राइवेट लेबल ब्रांड फॉर कॉस्को इज

बट द टारगेट ऑफ एवरी रिटेलर इज़ टू इनक्रीज द साइज ऑफ प्राइवेट लेबल ब्रांड बिजनेस बिकॉज इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल एंड इट इज ब्रिंगिंग मोर लॉयल्टी फॉर द रिटेलर्स तो कॉस्को की क्या अप्रोच है प्राइवेट लेबल ब्रांड की अगर आप देखेंगे तो कॉस्को क्रिकलैंड का जिस तरह भी हमने कहा कि दिस इज द ब्रांड एज ए प्राइवेट लेबल ब्रांड विच इज यूज बाय द कॉस्को सो नॉर्मली इन ऑल द कॉस्को स्टोर यू विल फाइंड फॉर जीन्स एंड पेरल्स दिस ब्रांड क्रिकलैंड नॉर्मली रिटेलर्स uh, जो बड़े रिटेलर्स हैं वो अपने नाम से जिस तरीके से कॉस्को नहीं लिखा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या मेट्रो नहीं लिखा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या वॉलमार्ट uh, नहीं लिखा होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइवेट लेबल ब्रांड्स आर सेपरेटली रजिस्टर्ड ब्रांड्स अंडर द एम्बरेला ऑफ मेन ब्रांड्स विच इज कॉस्को सो बिकॉज इफ देर इज़ ए चांस ऑफ समट्स ए सम प्रॉब्लम प्रॉब्लम टू द ब्रांड सम कंज्यूमर

विथ देयर ओन ब्रांड बिल्कुल इसके अगर मैं पाकिस्तानी परस्पेक्टिव में आपको एग्जाम्पल दूँ सो लेट्स ए कलर्स या ब्रेकआउट फॉर रिलेटेड टू द किड्स क्लोदिंग तो आपको वट्स एवर यू विल फाइंड इन दैट पर्टिकुलर स्टोर इज द ब्रांडिंग इज द ओन ब्रांड इज द प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑफ कलर्स और ब्रेकआउट तो प्राइवेट लेबल ब्रांड एक तरफ एक रिटेलर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और दूसरी तरफ वो रिटेलर के लिए इज इज ब्रिंगिंग मोर मनी मोर मार्जन्स तो हर रिटेलर का ये टारगेट है कि वो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को बनाए प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को इनक्रेज करें उसके बिज़नेस को इंक्रीस करें और अल्टीमेटली अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी और लॉयल्टी बिल्ड कर सकें